हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? फ्रेंड, आज के वीडियो में बेस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन मेगापेन कैप्सूल के विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, इस कैप्सूल को कौन सी कंपनी बनाती है, इस कैप्सूल में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, इस कैप्सूल के क्या उपयोग होते हैं, इस कैप्सूल की क्या डोजेज या खुराक होती है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस कैप्सूल के क्या इंटरेक्शन होते हैं, इस कैप्सूल की क्या सावधानी होती है, आदि विषयों पर आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली बेस्ट नॉलेज की वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड, इस कैप्सूल को कंपनी 10 कैप्सूल की स्ट्रिप में बनाती है। इसका मूल्य 49.10 रुपये होता है। फ्रेंड, मेगापेन कैप्सूल को आरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है, जो कि एक अच्छी कंपनी होती है। फ्रेंड, ये मेडिसिन शेड्यूल ईयर ड्रग की मेडिसिन होती है, जो डॉक्टर के पर्ची पर मेडिकल में उपलब्ध होती है। फ्रेंड, इस कैप्सूल को कैप्सूल में निम्न कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, जिसमें पहला कंटेंट्स है एम्पिसिलिन, दूसरा कंटेंट्स है क्लॉक्सासिलिन। फ्रेंड, मेनली ये दो ही कंटेंट्स से मिलकर बनी कैप्सूल है। फ्रेंड, मेगापेन कैप्सूल के उपयोग। फ्रेंड, मेगापेन कैप्सूल को डॉक्टर कौन कौन सी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में लाते हैं? फ्रेंड, यदि आपके शरीर में फोड़ा फुंसी है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। यदि आपको खांसी आती है, मौसम के कारण एलर्जिक खांसी आती है, तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। यदि आपको सर्दी जुकाम होता है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। यदि आपके शरीर पर घाव है या चोट लग जाती है या एक्सीडेंट के दौरान कुछ कट लग जाती है, घाव हो जाता है, उसको सुखाने के लिए इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, यदि आपको जख्म हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। यदि गले का इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, आँखों के इन्फेक्शन में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। यदि जेनाइटल एरिया का इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। यदि वेजाइनल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, यदि कान का संक्रमण है या कान से मवाद निकलता है तो उसको सुखाने के लिए इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, यदि नाक में इन्फेक्शन है तो उसके इन्फेक्शन में के ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, यदि फेफड़ों में इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। निमोनिया एक बीमारी होती है, दम श्वास वाली बीमारी है, ये फेफड़ों वाली बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। त्वचा इन्फेक्शन में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, मूत्र संक्रमण है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, हार्ट के वाल्व संक्रमण में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। हड्डियों में संक्रमण है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, यदि दिमागी बुखार है या टाइफाइड है तो उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। गोनोरिया एक बीमारी होती है, ये लेडीज़ों की बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। मेनिनजाइटिस एक बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल को उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड, इस प्रकार के इसके बेस्ट उपयोग होते हैं। फ्रेंड, इस कैप्सूल के क्या डोजेज होते हैं? फ्रेंड, इस कैप्सूल को अपने डॉक्टर की सलाह पर दिन में 2 बार तक उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, इस कैप्सूल का एक दिन का मैक्सिमम डोज 500 mg से लेकर 1000 mg तक होता है। फ्रेंड, कॉमनली इस कैप्सूल का उपयोग 7 दिन से लेकर 14 दिन तक कर सकते हैं। फ्रेंड, इस प्रकार के इस कैप्सूल के डोजेज हैं। फ्रेंड, इस कैप्सूल के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। इस कैप्सूल का उपयोग करने के बाद यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो साइड इफ़ेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, उस स्थिति में इस कैप्सूल का उपयोग बंद करना लाभदायक होता है। फ्रेंड, उल्टी आना साइड इफ़ेक्ट है, मितली साइड इफ़ेक्ट है, एलर्जी साइड इफ़ेक्ट है, दस्त साइड इफ़ेक्ट है,
रेसेस साइड इफेक्ट है, इसोनोफिलिया का बढ़ना साइड इफेक्ट है, जीप पर सूजन साइड इफेक्ट है, पिलिया साइड इफेक्ट है, ब्लीडिंग साइड इफेक्ट है। फ्रेंड इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड इस दवा के कुछ इंटरेक्शन है। फ्रेंड जेंटामाइसिन मेडिसिन के साथ इस कैप्सूल का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के साथ मेगापेन कैप्सूल का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के साथ मेगापेन कैप्सूल का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। फ्रेंड इस प्रकार के कुछ इंटरेक्शन हो सकते हैं। फ्रेंड इस कैप्सूल की कुछ सावधानी है। फ्रेंड यदि किडनी रोग है तो उस बीमारी के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग ना करें। दमा की बीमारी में इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। लीवर डिजीज में इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। फ्रेंड इस प्रकार की कुछ सावधानी है। फ्रेंड यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।